नमस्कार, मेरा नाम प्रभात राजू कोहली और मैं मुंबई बेस्ड ओपन वाटर स्विमर हूँ। मैं कोहली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जो मेरे पूर्वज थे वो सब मछुआरों मछुआरों के प्रजाति में, मतलब कोहली फैमिली से आते हैं, एंसेस्टर जो थे मेरे। तो हम लोग का एक समुंदर से एक रिश्ता है, ठीक है, क्योंकि मेरे जो दादा परदादा अंकल लोग तक, ठीक है, वो सब हम लोग वो लोग फिशिंग करने के लिए जाते थे। तो हम लोग का एक समुंदर से एक अलग रिश्ता है। मैंने वही जो रिश्ता है एक अलग तरीके से वो निभाया है। ये जो ओपन वाटर स्विमिंग है, ओपन वाटर स्विमिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि नदी के तालाब और जैसे समुंदर हो गया, उसमें स्विमिंग करना फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, सो मैंने वो स्विमिंग अपनाया, मतलब मेरे खुद के लिए करियर में चूज किया मैंने, क्योंकि मैं पहले कॉम्पिटिशन स्विमिंग में था, बट मेरे कोच ने तभी, मेरे जो किशोर पाटिल सर थे और मेरे जो पेरेंट्स थे, तभी उन्होंने मेरे को कहा कि तू ओपन वाटर स्विमिंग में ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। इसलिए मैंने फिर खुद को ओपन वाटर स्विमिंग में मैंने शिफ्ट कर दिया। एंड ओपन वाटर स्विमिंग मैंने मेरा फर्स्ट इवेंट, मेरा वैसे करने करने वाला था मैं धर्मतर टू गेटवे, बट तभी कुछ इश्यूज के वजह से हम लोग कर नहीं पाए थे। तो हम लोग ने गुजरात कोलकाता में 14 किलोमीटर्स का हुगली रिवर में स्विम किया था। वो मेरा फर्स्ट ओपन वाटर स्विम था। एंड वो स्विम करने के बाद, मतलब वो 14 किलोमीटर जो थे, 14 किलोमीटर जो था, दिसंबर के टाइम में कोलकाता में ठंडी होती है बहुत, वो पानी का टेम्परेचर भी 14 डिग्री था, और हुगली नदी, मतलब वो वन साइड फ्लो नदी में ये इवेंट हुआ होता है। तो वो जो इवेंट था उसमें मुझे पता चला कि ये जो ओपन वाटर स्विमिंग, उसको मैं कितने अच्छी तरह से एंजॉय कर पा रहा हूँ, कितने अच्छे तरीके से उसको मैं लेके आगे लेके जा सकता हूँ, और इसमें मेरा करियर में सेटअप कर सकता हूँ। ये मैंने वो इवेंट में जाना, और उधर से जो मैंने शुरुआत की, फिर मैंने 14 किलोमीटर के बाद 81 किलोमीटर स्विम किया। एंड देन उसके बाद अपने इधर धर्मतर टू गेटवे, और अपने इधर मैंने मुंबई में अरेबियन सी में 4 नए रूट, स्विम रूट इन्वेंट किए। अपने इधर धर्मतर टू गेटवे ही एक ट्रेडिशनल स्विम रूट हुआ करता था, उसको वो करने के बाद मैंने 4 न्यू रूट, स्विमिंग न्यू रूट्स इन्वेंट किए। तभी मेरे पापा और मेरे तब जो कोच थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि तू ये सब मत कर या फिर पढ़ाई पे ध्यान दे, उन्होंने तभी सपोर्ट किया। मेरे पापा का यही कहना था कि कोई भी फील्ड जो भी है, तेरा करियर कुछ भी चूज कर, तेरे ऊपर है, बट भले ही उसमें जो बोलते ना चांसेस बोलो या फिर अपॉर्चुनिटीज बोलो, 0.01% भी रही तो भी चलेगी, लेकिन जब उसके 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 उसका बात निकलेगा तो तेरा ही नाम सबसे पहले आना चाहिए, वैसा काम करो। ये मेरे पापा ने और मेरे कोच ने तभी समझाया था, और उसके हिसाब से हम लोगों ने चालू किया। जब इन 2015 जब मैं 16 साल का हुआ, तभी मैंने इंग्लिश चैनल जो यूके में है, यू इंग्लैंड टू फ्रांस, ये मैंने स्विम डिस्टेंस पार किया था। उसके पहले मैंने अराउंड जर्सी, वो मेरा सबसे पहला इंटरनेशनल ओपन वाटर स्विमिंग इवेंट था। वो इवेंट एक बूस्टर स्विम के लिए मैंने ये किया था, क्योंकि इंग्लिश चैनल एक बहुत ही ठंडा और बहुत अनप्रेडिक्टेबल स्विम है, तो उसके हिसाब से, और मुंबई, मैं एक मुंबई बेस्ड स्विमर हूँ, तो यहाँ पे वहाँ के टेम्परेचर में बहुत, यहाँ के और वहाँ के टेम्परेचर में बहुत फर्क है। इसके लिए मुझे फिर मैंने वो अराउंड जर्सी जो इवेंट है, 66 किलोमीटर का वो इवेंट था, और वो मैंने 10 घंटा 14 मिनट में कंप्लीट किया था। वो इवेंट करने के पीछे दो रीजन थे, एक तो बूस्टर स्विम था, एक अचीवमेंट के लिए था ही, प्लस एक वो स्विम करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं इंग्लिश चैनल को भी पार कर सकता हूँ, क्योंकि जो जर्सी आइलैंड है जिसके अराउंड मैंने स्विम किया, वो इंग्लिश चैनल के थोड़ा ही आगे, उसमें वाटर टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इसके लिए हम लोग ने वो चूज किया था। इंग्लिश चैनल जो था इवेंट, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल और बहुत हम लोग को, यू नो, मुंबई में जो समर रहता है, हम लोग इंडिया में जो टेम्परेचर रहते हैं उसके हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो इंग्लिश चैनल बहुत ही ठंडा स्विम इवेंट है। जैसे 12-13 डिग्री पानी का टेम्परेचर होता है। इंग्लिश चैनल जब मैं स्विम करने गया था तो मुझे टोटल वो स्विम करने में 13 घंटा लगा, लेकिन उसके साथ जब मैं जब स्विम कर रहा था, बहुत सी प्रॉब्लम्स आए, जैसे जेली फिश थे, और आधे रास्ते में, मतलब हाफ वे पे हम लोग का बोट जो था वो भी प्रॉब्लम आ गया, उसका टेक्निकल इश्यू हुआ था। लेकिन फाइनली 13 घंटा जब मैंने स्विम करने के बाद मैं फिनिशिंग किया, तभी हालत मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बोल सकते हो सुकून, मतलब पीस मिला मुझे वो स्विम करके, क्योंकि 13 घंटे मैं खुद के बारे में, नेचर के साथ मैं स्विम कर रहा था, पानी के अंदर मुझे
अलग अलग जो फिश मरीन लाइफ है उनका आवाज आ रहा था उनके साथ, जैसे मनो में जैसे खेल रहा हूँ उनके साथ ही रहता हूँ, वैसे मुझे फील हो रहा था। उसके बाद इंग्लिश चैनल कंप्लीट करने के बाद मुझे ओशन 7, ये जो चैलेंज है वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन और मैराथन स्विमिंग फेडरेशन, ये दो एसोसिएशन है, कैलिफोर्निया बेस्ड एसोसिएशन है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किए। 7 चैनल्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उन्हें ओशन 7 चैलेंज बोला जाता है। तो उसके बारे में मुझे पता चला और फिर वो ओशन 7 जो चैलेंज है उसके पीछे फिर स्विमिंग करते करते निकल पड़ा। उसके बाद मैंने कैटलीना चैनल स्विम किया यूएसए में, वो एक अलग एक्सपीरियंस था, वो पूरा रात का स्विम था क्योंकि हम शाम को 10:30 रात को 10:30 बजे हम लोग ने स्विमिंग स्टार्ट किया, पूरे रात में हम लोग स्विमिंग करके फिर अगले दिन सुबह सुबह हम मैंने वो स्विम फिनिश किया 10:30 घंटे में। वो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए क्योंकि जब मैं फिनिशिंग और स्टार्टिंग में था वो पानी इतना क्लियर और इतना सुंदर था रात के समय, क्योंकि वो जो एक एफरवेसेंस करके एक जो फिश रहता है पानी में, उसकी वजह से जैसे हम लोग टच करते हैं पानी को या फिर कुछ फील होता है उसको, तो वो कलर ब्लू कलर का ये छोड़ता है, मतलब ब्लू कलर छोड़ता है उसके ट्रेल में। तो हम लोग जैसे मैं स्विम कर रहा था वहां पे ब्लू कलर का ट्रेल था, उसके साथ जो नीचे फिशेस थे जो स्टार्टिंग और एंडिंग में जो बीच पे हम लोग स्टार्ट और एंड करने गए थे वहां पे पूरा क्लियर पानी था, मुझे एक एक्वेरियम में जैसे मैं स्विम कर रहा हूँ वैसे फील हो रहा था। और कंडीशन वाइज देखा जाए तो वेदर बहुत खराब नहीं बोल सकते बट ठीक ठाक खराब था, प्लस उसके साथ जो वाटर टेम्परेचर था वो अनएक्सपेक्टेडली कम था क्योंकि रात का समय था। ये सब चैलेंज करते करते फिर हम लोग ने, और अपार्ट फ्रॉम ओशन 7 भी हम लोग ने स्विमिंग रूट एक्सप्लोर किए, जैसे साउथ अफ्रीका में मैंने 6 स्विमिंग रूट्स इन्वेंट किए, मतलब 6 स्विमिंग रूट्स किए, और 1 महीने में वो 6 स्विमिंग रूट्स कंप्लीट करने वाला मैं फर्स्ट एशियन बोलूंगा, फर्स्ट मेल एशियन बोल सकता हूँ, और उनमें से मेरे 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है वो इवेंट्स में। ऐसे बहुत से इवेंट्स किए बाद में, फिर आयरलैंड का मेन हम लोग का चैलेंज था, सुगरू का चैलेंज था। आयरलैंड और सुगरू चैनल जो है और मोलोगा चैनल, ये ओशन 7 के 3 सबसे मेन चैलेंज में का मैं बोलूंगा, क्योंकि इन तीनों का टेम्परेचर और जो कंडीशन है एकदम सेम होता है। जैसे सुगरू चैनल में वाटर टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं है, लेकिन इधर के वाटर करंट जो है वो बहुत, मतलब बहुत अजीब तरीके से पानी वहाँ का, यू नो वाटर जो टाइड जो हम लोग टाइड कहते हैं सर्कल, उन लोग का बहुत अजीब है। हम लोग को, हम लोग समझ हमारे समझ हम लोग को, मुझे तो ये कहा गया था कि भले ही सामने 200 मीटर पे तुम्हें स्विमिंग फिनिश दिखता हो, लेकिन अगर वो उधर पायलट ने कहा कि वो 200 मीटर आपको स्प्रिंट करना है तो हम आपको स्प्रिंट करना ही पड़ेगा, वरना फिर वो आप भले ही 10 किलोमीटर स्विमिंग 10 घंटा स्विमिंग करो 12 घंटा स्विमिंग करो, आपको वापस वो पानी स्टार्टिंग पोजिशन पे ही लाके छोड़ेगा। तो वैसे कंडीशंस थे और मुझे वैसे ही फील हुआ, मतलब जब जो फिनिश करा था मैं सुगरू चैनल, तो वो मुझे 9 घंटे के बाद पायलट ने कहा कि लास्ट के 200 मीटर है, अगर तुमने वो स्विम किए फास्ट तो ही तुम फिनिश कर पाओगे, ना तो और 3-4 घंटा आगे स्विम करना पड़ेगा। वो 200 मीटर जो थे वो मैंने फिर जी जान लगा के 9 घंटे के बाद जितनी मेरे में ताकत थी नहीं थी वो सब लगा के मैंने वो फिनिश किया। एटलीस्ट एट लास्ट 9 आवर्स 52 मिनट्स के बाद मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद मोलोकाई चैनल तो सबसे डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा है 7 ओशन में, वो 42 किलोमीटर्स का है, और हवाई में ये इवेंट होता है। ये जो इवेंट है हवाई हमें मालूम ही है बहुत फेमस है, जैसे विंड सर्फिंग या फिर विंड से रिलेटेड जो भी गेम्स होते हैं वहाँ पे उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर किलोमीटर पर आवर में वहाँ पे विंड ब्लो होता है एंड वो बहुत ही तेज होता है और उधर का वेदर पूरा अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो जब मैं स्विम कर रहा था शाम को, हम लोग ने 6 बजे स्विम स्टार्ट किया था एंड पूरा रात हम मुझे स्विमिंग करना था, लेकिन रात में ऐसा ऐसी नौबत आई थी कि चाहे मतलब शायद अभी स्विम खत्म हो जाए, खत्म करना पड़े क्योंकि वेदर बहुत बिगड़ गया था। लेकिन मेरे पापा तभी मेरे साथ थे, उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला कि मतलब कि अगर तेरे को फिनिश करना है यहाँ पे, खत्म करना है ये इवेंट, कर ले क्योंकि जान से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था कि लाइक नहीं, इसके लिए मैंने वर्कआउट नहीं किया, इसके लिए मैंने इतनी ताकत नहीं लगाई है, और जो फाइनेंशियल स्टेटस था हमारा इतना स्ट्रांग नहीं था कि हम वापस आके कर सके। इसके लिए जो था मेरा वो
लास्ट ऑप्शन था, मुझे वो करना ही था। तो मैंने वो कंडीशंस पे भी, जैसे जैसे फिर हम लोग ने बोला कि सूरज मतलब सनराइज होने दो, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं, अगर फिर भी कंडीशन वैसे रहे तो हम लोग एक डिसीजन ले लेंगे। लेकिन क्यों पता नहीं, जैसे जैसे ही सनराइज हुआ मुझे फिनिशिंग पॉइंट दिखता गया, और जो जो मतलब जैसे ही मैं फिनिशिंग करने मतलब जितना नजदीक जा रहा था उतना ही वेदर थोड़ा शांत हो रहा था, वेव्स शांत हो रहे थे। और वो रात को मैंने वेल्स के भी क्रिल्स सुने थे, वो मतलब एक मैं बोलूँगा मेरे लिए एक बहुत बड़ी मतलब भगवान की देन बोल सकते, क्योंकि वेल्स ऐसा मरीन लाइफ है जो इंसानों को तो हार्म नहीं करता, लेकिन उनका आपके साथ होना, आपके नजदीक होना, वो फीलिंग आना ही एक तो आपके लिए एक आशीर्वाद जैसे ही है, मैं कहूँगा। और जैसे ही मैंने वो 17 घंटा, मेरे को वो स्विमिंग इवेंट करने कंप्लीट करने के लिए लगे, वो 17 घंटा कंप्लीट करने के बाद मुझे एक सेटिस्फेक्शन जो बोलते हैं हम कि इवेंट किया मैंने, वो मुझे मिला। और उसके बाद हर इवेंट में जो भी मैंने इवेंट किए हैं, जैसे आयरिश चैनल का जो मैं स्टोरी में मतलब जो है उधर पानी वाटर का टेम्परेचर ही 12-13 डिग्री है, और जेलीफिश इतने वहाँ पे स्ट्रांग है, पॉइजनस है, कि मतलब मेरे पहले आगे एक स्विमर था हंगेरियन, वेल नोन स्विमर था, उसको डायरेक्टली आईसीयू में बिना फिनिश किए उसको डायरेक्टली आईसीयू में शिफ्ट किया गया था उसी दिन जिस दिन मैंने स्विम किया। लेकिन मैं कहूँगा मेरा लक वैसा अच्छा था, और मेरे साथ जो लोग थे शैली मुंडी ग्रेविट, और जो मेरे मतलब मेरे मॉम डैड भी थे वो बोट में, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरा मेरा ध्यान रखा, मेरा ख्याल रखा, उसकी वजह से मैं वो इवेंट कर पाया। और वो जो वेदर मतलब पानी का टेम्परेचर था, रात को हम लोग 4 बजे सुबह सॉरी सुबह 4 बजे हम लोग ने स्विम स्टार्ट किया था, वो पानी का टेम्परेचर तो 12 डिग्री के आसपास था, प्लस बाहर का जो टेम्परेचर था वो भी 15 डिग्री के ऊपर नहीं था, उससे और ठंडा, मतलब वो जो स्विम रूट है वो सिर्फ ठंडे पानी के लिए और जेलीफिश के लिए ही जाना जाता है। ये सब जो इवेंट जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ या फिर आपको बता रहा हूँ, ये जो इवेंट्स तो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद ये इवेंट्स करने का एक सेटिस्फेक्शन तो है ही, लेकिन उसके बाद जब हम मैं इवेंट खत्म होने के बाद, हर इवेंट के बाद जब मैं इंडियन ट्राई कलर अपना इंडियन फ्लैग जब मैं अनफ्लर करता हूँ, मेरे हाथ में पकड़ता हूँ, एक प्राउड फीलिंग आती है कि ये स्पोर्ट में भी मैंने अपने देश का नाम, जैसे अभी क्रिकेट में हो रहा है, हॉकी में हो रहा है, और बाकी के जो स्पोर्ट्स है कबड्डी में है हो रहा है, और बाकी के जो भी स्पोर्ट्स है उसमें हम लोग का देश का नाम आगे बढ़ रहा है। और मेरा फिर मैं अगर ये फील्ड में हूँ तो मुझे कहीं तो लगता है मेरी वजह से अगर देश का नाम कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैं लेके जा सकता हूँ, जितना अच्छा हो सके मैं उतना कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ, और उसकी वजह से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब देश का नाम हमारा आगे आता है। सिर्फ मतलब जब इवेंट करते हैं तो पहले देश का नाम लिया जाता है, फिर हम लोग का नाम लिया जाता है, वो एक प्राउड फीलिंग जो रहता है वो अनबिलीवेबल है, मतलब वो शब्दों में किसी को मैं बयां नहीं कर पाऊंगा। के अलावा जो मैंने ये 15 साल मैंने ये स्विमिंग इवेंट्स किए, रिसेंटली अभी 2013 में मार्च में मैंने मेरा सेवेंथ ओशन कंप्लीट किया कुक स्ट्रेट पर न्यूजीलैंड में, और वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट स्विमर बना मैं ये कंप्लीट करने वाला। और ये जो सेवन ओशन का टैलेंट चार जो चैलेंज है वो कंप्लीट करने वाला मैं सबसे यंगेस्ट बना। उसके साथ जो आयरिश चैनल मैंने कहा वो मैं स्विमिंग कंप्लीट करने वाला सबसे यंगेस्ट था, रिसेंटली यंगेस्ट इन द वर्ल्ड था, रिसेंटली एक इंडियन स्विमर ने वो ब्रेक किया। लेकिन वो और अच्छी बात है, ऐसे अच्छे अच्छे स्विमर्स आए और रिकॉर्ड ब्रेक करे, रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए ही हम बनाया जाते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे स्विमर्स आए मैं तो यही कहूँगा। प्लस सुगैरो चैनल जो है मेरा, मैंने जब स्विम किया था तभी वापस में यंगेस्ट बना था, और बाकी के जो रिकॉर्ड्स है लिम्का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स है 5-6, वो अलग अलग रिकॉर्ड्स के लिए है। सो ये जो मैंने अभी शेयर किया मेरा मेरे अचीवमेंट्स मेरे अवार्ड्स जो भी मैंने अभी अचीवमेंट जो बताया, 19 इंटरनेशनल स्विम इवेंट्स और 20+ इंटरनेशनल स्विम इवेंट, ये करने के बाद वो मुझे गवर्नमेंट ने एक रिकॉग्निशन दिया, जैसे तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड है, नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, वो हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने मुझे प्रेजेंट किया था ऑन द डे ऑफ 4th डे ऑफ 2019। और वो ये जो अवार्ड है ये मेनली सिर्फ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ही लोग वो लोग जो है वो प्रेजेंट करते हैं, एंड आई एम वेरी मच लकी कि उस टाइम पे मुझे ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद मुझे ये जो शिव छत्रपति पुरस्कार है महाराष्ट्र का मोस्ट प्रेस्टिजियस कहा जाता है, एंड वो मुझे अवार्ड दिया गया मेरे ये अचीवमेंट्स को लेके, 15 साल के जो अचीवमेंट्स है वो लेके।
प्लस जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सॉरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र थे पहले, उन्होंने भी मुझे ये राजमुद्रा सी विद्यासागर राव थे 2016-17 में, तभी मुझे ये राजमुद्रा उन्होंने गिफ्ट किया, मतलब गिफ्ट नहीं प्रेजेंट किया था फॉर माई अचीवमेंट्स इन द ओपन इन द फील्ड ऑफ ओपन वाटर स्विमिंग एंड स्पोर्ट्स। ये अवार्ड्स के अतिरिक्त मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। तीन मेरे पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जैसे एक फर्स्ट हो गया जो वर्ल्ड में यंगेस्ट हूँ इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट द ओशन 7 चैलेंज, एंड अभी रिसेंटली चेक किया तो 25 समथिंग पीपल ने कंप्लीट किया है एंड पूरे वर्ल्ड में, और इन 25 पीपल में मैं सबसे यंगेस्ट हूँ ये जो ओशन 7 चैलेंज है वो कंप्लीट करने वाला। सेकेंड रिकॉर्ड इज फॉर माई बींग यंगेस्ट इन द वर्ल्ड कम्प्लीट द सुगरू चैनल विच इज इन जापान, वो इवेंट करने के लिए, मतलब जो वो मैंने इवेंट किया उसके लिए मुझे ये अवार्ड, जो मैंने जब स्विमिंग कंप्लीट किया मैं सबसे यंगेस्ट था वो टाइम पे और ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट था, इसके लिए मुझे वो अवार्ड प्रेजेंट किया था। एंड थर्ड वाला था कि जो मेरा आयरिश चैनल का स्विम इवेंट था, आयरिश चैनल था, उसका भी मैं यंगेस्ट हूँ स्विमर, वो भी मैं कंप्लीट करने वाला सबसे यंगेस्ट था वर्ल्ड वर्ल्ड। अभी अभी रिसेंटली वो ब्रेक किया गया है इंडियन स्विमर ने, लेकिन उसके व्यतिरिक्त तो मुझे जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम, नेशनल रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है फॉर बीइंग, मतलब जो मुलुका चैनल मैंने स्विम किया वो मैं यंगेस्ट और फास्टेस्ट एशियन हूँ वो कंप्लीट करने वाला, और जो साउथ अफ्रीका में मैंने छह स्विम इवेंट किए 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में वो कंप्लीट करने वाला, मैं फर्स्ट इंडियन फर्स्ट इन द वर्ल्ड हूँ वो कंप्लीट करने वाला 1 महीने में 6 स्विम रूट का, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक बहुत ही डेंजरस जगह प्लेस है फॉर द स्विमिंग, है ना, क्योंकि वहाँ पे ग्रेट व्हाइट शार्क का ब्रीडिंग प्लेस है वो इसके लिए। लेकिन बहुत मैं लकी था कि वैसे कुछ इनकाउंटर मेरे मेरे इवेंट्स में नहीं हुआ और मैं सक्सेसफुली सब इवेंट्स कर पाया। सो ऐसे मेरे कुछ गिने चुने अचीवमेंट्स है, अवार्ड्स है, एंड मतलब जो जो भी मैंने किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, ये जो भी किया मैंने मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं कर पाया हूँ, क्योंकि एज सच फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत कम मिला, मेरे पापा ने मेन मुझे फाइनेंशियली भी मेंटली भी और वर्कआउट के लिए भी मुझे सपोर्ट किया। जैसे अभी रामसेठ ठाकुर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है रेलवे में, उन्होंने मुझे स्विमिंग पूल अवेल करके दिया, उन्होंने कहा कि जो ओपन वाटर स्विमर को नहीं मिनिमम नहीं बोल के वीपी कार्स में से 3 से 4 घंटा और वर्स्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे के स्विमिंग पूल अवेल करना फैसिलिटी चाहिए होता है, यूज करना चाहिए, तो क्योंकि वो उनका मेन टारगेट ही वही रहता है कि 10 घंटा एटलीस्ट वो स्विमिंग पूल में स्विम कर पाए, तो वो मुझे रामसेठ ठाकुर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने प्रोवाइड किया, एंड आई एम वेरी मच लकी कि मुझे वहाँ पे उन्होंने इतना सपोर्ट किया। सो फैमिली से सपोर्ट ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा मिला, मतलब मॉम डैड ने तो हमेशा आगे का ही सोचा है और मुझे कैसे आगे लेके जाए वही सोचा है, पापा ने तो घर घर दार बेच के उन्होंने मेरे लिए मेरी स्विम के लिए फंडिंग जमा की है, जितने भी मैं कहूँगा प्राउडली मैं कहूँगा कि जितने भी फंडिंग की है पापा ने फाइनेंसेस, या फिर मैंने जितने भी इवेंट किए मेरे सब पापा ने फाइनेंस किए हुए, और कुछ पापा के ऑफिस के दोस्त हैं उनके थ्रू पापा ने लोन्स भी लिए इसके लिए, जो वो अभी मतलब अभी तो पापा फिलहाल तो रिटायर हो चुके हैं, वो भी रिटायरमेंट उन्होंने मैं सच्ची कहूँ तो वो मेरे लिए लिया, क्योंकि लास्ट इवेंट के लिए जो अभी जो मैंने किया है न्यूजीलैंड के लिए उनके लिए ज़्यादा फंड जमा नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल, तो उन्होंने वी आर ले लिया सो सो दैट आई कुड गेट माई फंडिंग फॉर द इवेंट। तो उन्होंने मतलब जो मॉम डैड और मेरे जो कोचेस थे उन्होंने बहुत मेरे लिए मेहनत की है, जो मेरे नज़दीक के लोग हैं मेरे मित्र, तो उन्होंने भी बहुत मेरे लिए सपोर्ट किया है, रात रात तक मेरे साथ स्विमिंग पूल में खड़े रहते थे मेरे माँ बाप, और वो तो ये सब ऐसे लोगों जब मिलता हूँ मैं ऐसे लोगों से तो एक अच्छा फील आता है, और ओपन वाटर स्विमिंग करना मेरे लिए एक पैशन तो बोल सकते ही है, प्लस एक बोलूंगा एक सुकून है, मतलब पीस है वो स्विमिंग करते करते, जब मैं स्विमिंग करता रहता हूँ घंटों तक स्विमिंग करता रहता हूँ, बट मुझे कभी ऐसे एक भी बार मन में ख्याल नहीं आया कि मैं छोड़ दूँ अभी या फिर मुझे नहीं करना है या फिर जो भी हो एक्स वाई जेड, कभी नेगेटिव थॉट स्विमिंग के बारे में आए ही नहीं।
बिकॉज मेरे पास सपोर्ट वैसा था, मेरे पास लोग वैसे थे इसके लिए। ओके, तो मुझे इन फ्यूचर, अभी जो मैंने ये ओशन 7 टारगेट जो कब मैंने कंप्लीट किया है, सी मेरे पास ये टारगेट था, मुझे 7 समुद्र स्विम करना है, जो ओशन 7 चैलेंज है मुझे कंप्लीट करना है। ये मैं टारगेट लेके 15 साल मैंने स्विमिंग करता रहा, लेकिन अभी जब ओशन 7 मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत से लोग पूछते कि आगे क्या करने वाला है, आगे कौन सा तेरा इवेंट है, तो या फिर अभी इतना इतने में रुक जाएगा, ऐसा बहुत बहुत लोगों ने पूछा भी है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि पानी, पूरी पृथ्वी पे बहुत पानी है, तो स्विमिंग करने के लिए जगह भी बहुत है। अभी मेरा ऐसा है कि मुझे अगर स्विमिंग करना है आगे, तो मुझे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट लगेगा। ये सिर्फ मैं मुझे खुद स्विमिंग करते रहना है, फिर मुझे अच्छा लगता है, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इस फील्ड में देश का नाम कहीं तो जाके रख सकता हूँ। जैसे अभी आइस स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप करके एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जो अभी अभी विंटर ओलंपिक्स में भी इंक्लूड करने वाले हैं वो लोग। आइस स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई भी पहले इंडियन ने इंडिया को मतलब किसी ने भी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया पहले, एंड मैं वो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और अच्छे एक पोडियम फिनिश भी लाने की इच्छा व्यक्त करता हूँ, कर भी सकता हूँ। लेकिन मुझे वैसा सपोर्ट चाहिए, और वैसा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। प्लस बाकी कैसे, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ओपन वाटर स्विमिंग, गिने चुने 5 से लेकर 6 स्विमर है, एक पूरा नया कॉन्सेप्ट है हमारे देश में। लेकिन हम बहुत आगे जा सकते हैं ये फील्ड ऑफ स्पोर्ट में भी। और बहुत से स्विमर्स आते हैं मेरे पास, उन्होंने बहुत से गाइडेंस पूछे, नो डाउट, मैं बिना उन्हें कोई हिचकिचाए उन्हें सब जो है वर्बल नॉलेज जो भी मैं दे सकता हूँ वो दे देता हूँ। लेकिन दिक्कत ये होती है कि एक ओपन वाटर स्विमर एक स्विमिंग पूल में स्विम का प्रैक्टिस कर रहा है, प्रॉब्लम वही होता है, क्योंकि बाहर जो भी है, यूके बोलो, यूएसए बोलो, वहां के जो ओपन वाटर स्विमर है कभी स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस नहीं करते, वो ओपन वाटर्स में चले जाते हैं। सी हो गया, लेक हो गया, जो भी पॉसिबल उनके पास है। तो यहाँ पे भी अगर वैसा कोई स्ट्रक्चर या फिर वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, तो जरूरी हम जो हमारा देश है, हम ये जो यहाँ पे जो स्विमर्स आते हैं मेरे पास वो फील्ड में आने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं तो देश का नाम जरूर लेके जाएंगे, और एक अच्छे पोजीशन पे लेके जाएंगे। उनको बस थोड़े सपोर्ट की जरूरत है, जैसे हर स्पोर्ट्स में लगता है, वैसे ही थोड़ा सपोर्ट ये स्पोर्ट में अगर मिल जाए, तो और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के फील्ड में हमारा देश और आगे जा सकता है। बाकी के फील्ड में तो जा ही रहा है, हमें तो मालूम ही है, लेकिन स्पोर्ट के फील्ड में और आगे जा सकता है। अभी पहले से तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट अपना, बट लेकिन और आगे हो जाए, ये मतलब मुझे बस लगता है कि और कर सकते हैं।